ओके क्लास, सो दिस इज आवर मुगल डायनेस्टी एंड इन दिस चैप्टर वी हैड स्टडीड व्हाट इज मुगल डायनेस्टी. ठीक है, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ डायनेस्टी, व्हेन इट एस्टैब्लिश्ड इन द इंडिया, व्हेन दिस डायनेस्टी बिगन रूल इन इंडिया, हु वेयर द मुगल्स. यू आर वेरी क्लियर अबाउट दिस. नंबर टू, मुगल मिलिट्री कैंपेन्स. मुगल के मिलिट्री कैंपेन्स ऑल ओवर इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कहाँ कहाँ तक एक्सपेंड हुआ था. बाबर टू औरंगजेब. दिस इज द चार्ट ऑफ मुगल एम्पायर्स एंड देयर मेजर कैंपेन्स एंड इवेंट्स. बहुत सारी चीजें थी बट मैंने आपको ये शॉर्ट में बताया कि क्योंकि इतना सारा कुछ आप नहीं कर पाओगे, पर इम्पोर्टेंट चीजें जो मैंने बताई थी आप उसको अंडरलाइन भी कर लेना एंड यू विल लर्न दिस. नेक्स्ट, मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन. इसमें हमने व्हाट्सएप क्लास पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन में, कौन कौन से वो मुगल्स जो थे, रूलर्स जो थे, उनके सक्सेशन यानी कि जो उत्तराधिकारी का जो उनका रूल था, ट्रेडिशन था, वो कैसा था. तो मैंने आपको बताया था कि वो त्रिभुवन में नेचर में बिलीव नहीं करते थे, वो पार्ट सेनरी इनहेरिटेंस में बिलीव करते थे. ये दोनों तरीका आपको पता होना चाहिए. मुगल रिलेशंस मैंने बताया था, राजपूतों के साथ कैसा रिलेशन था, और फिर मिलिट्री कैंपेन्स ये लोग किस किस राज्य में किसके अगेंस्ट वो कर रहे थे अपने अथॉरिटी को एक्सेप्ट कराने के लिए, और फिर वो धीरे धीरे पावरफुल बन जाते हैं. और फिर हमने पढ़ा था मनसबदार एंड जागीरदार की कैसे उनका एडमिनिस्ट्रेशन इतना राज्य को एक्सपेंड कर लिया, और उसके लिए जो लोगों की जरूरत थी यानी कि मनसबदार की जरूरत थी, जागीरदार की जरूरत थी, जो वो पूरे के पूरे अपने स्टेट को अपनी टेरिटरी में, मुगल अपने पूरे टेरिटरी में इन लोगों की मदद से क्या करते थे, वो अपने राज्य को एडमिनिस्टर करते थे. ठीक है, तो ये दोनों टर्म भी वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड. And from today we will discuss जब and जमींदार. मनसबदार पढ़ लिया, जागीरदार पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे जब तक जमींदार. जमींदार, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. अब यहाँ पे क्या है, जब तक जमींदार में जब्त वर्ड का मतलब क्या हुआ, हम पहले ये समझे. देखो राज्य चलता है कैसे, पैसे से चलता है, टैक्स से चलता है. जैसे अभी हम लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, हमसे टैक्स कलेक्ट करती है, फिर हमारे लिए फैसिलिटीज देती है, जो हमने सिविक्स में पढ़ा था, क्लासेस में भी पढ़ा था. लेकिन मुगल पीरियड में क्या था, इनको भी तो अपना पैसा चाहिए ना, तो इनके मेन सोर्स का इनकम क्या था, ये भी टैक्स नहीं मिलती थी. पर इनका टैक्स हमारी तरह कैश में नहीं मिलता था, इनकम टैक्स जो हम लोग देते हैं, इनका टैक्स कैसे मिलता था, प्रोड्यूस ऑफ द पीजेंट्री. जो फार्मर्स थे उनका जो प्रोड्यूस, जो उनका प्रोडक्शन होता था, उससे जो कलेक्शन होता था एज अ फॉर्म ऑफ टैक्स कलेक्ट करते थे. अब पीजेंट्स टैक्स कैसे देते थे, थ्रू द रूरल एलाइट्स. पीजेंट्स जाके तो नहीं कहेंगे बादशाह जी मेरा टैक्स आपके लिए आ गया ले लीजिए, ऐसा तो नहीं होगा. वो करेंगे रूरल एलाइट्स के द्वारा, गांव में. एलाइट्स मतलब गांव में जो लैंडलॉर्ड्स हैं, लैंड जो जमींदार हैं, है ना, उन लोगों को रूरल एलाइट्स कहा जाता है, जो रिच पर्सन है, वेल्थी है, तो उनको ये लोग टैक्स देते थे. और यही लोग आगे, दैट इज दी हेडमैन, वो चाहे गांव का हेडमैन हो या लोकल चिफ्टन या फिर वहाँ का लोकल सरदार हो. अब मुगल ने एक टर्म यूज किया है जमींदार. जमींदार कौन थे, ये इंटरमीडिएट्स थे, बीच के लोग थे, जो लोकल हेडमैन ये, और ये लोग कौन थे, या तो ये लोकल हेडमैन होते थे जमींदार, या तो उस गांव के मुखिया होते थे, है ना, या फिर उस गांव के पावरफुल चीफ्स होते थे. यही लोग क्या करते थे, इंटरमीडिएट्स थे. किसके बीच में, मुगल एम्पायर, इंपीरियल एम्पायर एंड पीजेंट्स, दोनों के बीच का इंटरमीडिएट्स कौन था, जमींदार. आगे है अकबर रेवेन्यू मिनिस्टर. अब देखो अकबर ने कैसी अपनी व्यवस्था की, अकबर ने एक रेवेन्यू मिनिस्टर था,
इम्पोर्टेंट है, नाम था टोडरमा। टोडरमा ने क्या किया, पहले तो वो लैंड्स का सर्वे कराया, जितने भी क्रॉप फील्ड्स जो जो खेतों में जो कितने ग्रेन्स का प्रोडक्शन हो रहा है और उसके हिसाब से वहाँ की प्राइसेस और वहाँ के एरियाज वगैरह जो है वो डिसाइड किए और उसको 10 ईयर के पीरियड के लिए उसने ये पूरा सर्वे किया था। और फिर उसने क्या किया, इस पूरे डाटा के बेस पे उसने वहाँ पर टैक्स फिक्स कर दिया था, टैक्स वॉज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप, हर एक क्रॉप पे, है ना, इन कैश, कैश मिलेगी। फिर क्या हुआ था, उसने एक तो ये काम किया था, क्या काम था, सर्वे किया था। दूसरा काम उसने क्या किया था, इस प्रोविंसेस वाज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू सर्कल, जितनी भी प्रोविंसेस थी, प्रोविंसेस मतलब स्टेट, जैसे इंडिया में कितने स्टेट्स हैं अभी, जितने भी हैं आपको पता है, गांव वाला क्लास, इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, 28 states जो है उसको उसने क्या किया था, उस समय नहीं थे 28, उस समय और भी ज्यादा होंगे या फिर कम होंगे, ठीक है, क्योंकि अफगानिस्तान वगैरह का भी तो पार्ट था मुगल एम्पायर में, है ना, तो ये सारे पार्ट्स को उसने क्या किया, उसने रेवेन्यू सर्कल में डिवाइड कर दिया था। तो सेकेंड नंबर पे आप क्या लिखोगे, रेवेन्यू सर्कल, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। किसने किया था, रेवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल ने, और उन सभी रेवेन्यू सर्कल मतलब उन सभी रेवेन्यू एरिया पर रेवेन्यू रेट डिसाइड कर दिए थे। और फिर इसको कहा गया, इस पूरे सिस्टम को कहा गया जब्त, क्लियर व्हाट इज जब्त, ठीक है। नाउ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, अब क्या हुआ कि इन सभी लैंड पे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन करना इसी हो गया, है ना, तो यही है पूरा जब्त व्यवस्था। दिस व्हाट, बट दो स्टेट्स में ये पॉसिबल नहीं था, गुजरात और बंगाल में। अब क्या हुआ कि कुछ एरियाज में जमींदार ने क्या किया, अच्छा कुछ जगहों में ना एक्सप्लोइटेशन भी होता था, किसके द्वारा, मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स क्या करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे, और इसीलिए रिवेलियन हो जाता था, विद्रोह हो जाता था। जमींदार्स और पीजेंट्स जो थे वो क्या करते थे, इन मुगल अथॉरिटी के अगेंस्ट ये क्या करते थे, रिवेल कर देते थे। भाई सीधी सी बात है, आप इतना चार्ज लोगे, अपने हिसाब से आप इतना करोगे तो क्या होगा, विद्रोह तो होगा ही, तो रिवेल का भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है। अब हम आगे आते हैं, अकबरनामा एट आईयाधर। अब ये अकबरनामा क्या है, अकबरनामा ये है कि अकबर के बहुत क्लोज फ्रेंड थे अबुल फजल, और उनके दरबार में रहने वाले भी थे, कोर्टियर्स थे, उन्होंने हिस्ट्री लिखी थी अकबर के टाइम का, और उन्होंने उस बुक को जो लिखा था उसको 3 वॉल्यूम में डिवाइड कर दिया था। तो उसने एक वॉल्यूम था अकबरनामा, उस बुक का नाम था अकबरनामा, तो जो ठीक है, तो ये अकबरनामा क्या है, उनके फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड अबुल फजल के द्वारा अकबर पे लिखी हुई हिस्ट्री है अकबरनामा। तो उसने क्या लिखा है अकबरनामा में, कि अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, रेवेन्यूज के बारे में, ज्योग्राफी, राज्य का ज्योग्राफी कैसा है, इन सब के बारे में उसमें लिखा गया है। नाउ कम टू द अकबर पॉलिसीज, अकबर पॉलिसी क्या है, कि मैंने बताया ना कि एक बुक थी अकबरनामा, ठीक है, आईने अकबरी, अकबरनामा की एक वॉल्यूम थी लास्ट, मैंने कहा ना बुक को 3 वॉल्यूम में डिवाइड किया गया था, क्योंकि थर्ड वाली बुक फिर थी आईने अकबरी, उसमें अबुल फजल ने पूरे अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन के, अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा है। फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर रिटन इन आईने अकबरी बाय अबुल फजल, हु वाज द कोर्ट पोएट, हु वाज द कोर्टियर ऑफ अकबर्स रेन। नेक्स्ट, अबुल फजल ने एक्सप्लेन किया है, क्या बताया था उसने कि अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उसने बताया था कि एम्पायर को डिवाइड कर दिया गया था प्रोविंसेस में, जैसे आज इंडिया को डिवाइड कर दिया गया है स्टेट्स में, और उसको कहा उसने सूबा। अब देखो सूबा क्या था, प्रोविंसेस, प्रोविंसेस क्या है, स्टेट्स, आज के टाइम में स्टेट्स, ठीक, और सूबा का जो मालिक है उसको कहा गया सूबेदार, सूबा सूबेदार। अभी हमारे स्टेट्स का मालिक कौन है, चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर, गवर्न द स्टेट्स इन द
पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शन करता था अपने प्रोविंस में, अपने स्टेट्स में। ईच प्रोविंस हैड अ फाइनेंशियल ऑफिसर। अब एक और थे सूबेदार के अलावा दीवान जी थे। दीवान जी क्या काम करेंगे? फाइनेंशियल डील करेंगे स्टेट में। अब फाइनेंस मिनिस्टर तो नहीं होते थे, तो दीवान जी काम करते थे, ठीक है। पीस एंड ऑर्डर कौन मेंटेन करेगा? तो अभी कौन करता है? पुलिस करती है। पर उस टाइम पुलिस तो थी नहीं, खाकी वर्दी पहने, तो कौन था पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए? सच एज द मिलिट्री पे मास्टर दैट इज नोन एज बक्सी। याद रखो, बक्सी क्या करता था स्टेट में? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता था, ठीक है। अब रिलीजियस के भी उन्होंने रिलीजियस डिपार्टमेंट भी बना रखा था, तो वो थे सदर। अभी हमारे पास कोई रिलीजियस डिपार्टमेंट नहीं है इंडिया में, क्योंकि इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। यू ऑलरेडी नो वी डोंट गिव एनी इंपॉर्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन, क्लियर। तो सदरा हो गया रिलीजियस मामले में। बेटा आप ये टर्म जो है ना उसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है। मिलिट्री कमांडर फौजदार, अभी उनके पास आर्मी वगैरह नहीं थी, मिलिट्री कमांडर थे, तो ये फौजदार हो गया, फौज चलाते थे। ये फौजदार को कर लो मार्क, बख्शी को कर लो मार्क, सदर को कर लो, एंड द टाउन पुलिस कमांडर। और जो टाउन का, जैसे कि हमारे यहाँ कौन है एसपी होते हैं, उनके यहाँ कोतवाल होते हैं। तो ये था एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने वाले लोग। ये है नूरजहां के बारे में। नूरजहां कौन है? जहांगीर की वाइफ थी। इसका जहांगीर के दरबार में इसको बहुत ज्यादा रोल था, बहुत सुंदर थी नूरजहां, क्लियर। मेहरुन्निसा नाम था, चाइल्डहुड नेम वॉज मेहरुन्निसा। एम्पेरर से शादी हो गई जहांगीर से, ठीक है। अब इनका रोल यहाँ पे क्या है? ये जो थी बहुत ज्यादा लॉयल थी राज्य के लिए, और ये मोनार्क को यानी कि जो बादशाह है जहांगीर, उनको सपोर्ट करती थी, ठीक है। फिर जहांगीर क्या करते थे, मतलब, और जहांगीर इनको इतना पसंद करते थे कि सिल्वर कॉइंस के ऊपर अपनी रानी नूरजहां के जो है उनके पिक्चर बने होते थे, क्लियर। तो ये है मेहरुन्निसा, नूरजहां का इन्फ्लुएंस जहांगीर के कोर्ट में, ओके। अभी आगे आ जाते हैं और अब बात करते हैं अकबर के नोबल्स के बारे में। अकबर नोबल्स कमांडेड लार्ज आर्मी एंड हैड एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू व्हाइल दे वर लॉयल टू द एम्पायर। फंक्शन एफिशिएंटली बट बाय द एंड ऑफ 17th सेंचुरी मेनी नोबल्स हैड बीन डेड, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या, अकबर के जो नोबल्स थे वो क्या करते थे, उन सबकी अपनी अपनी लार्ज आर्मीज थी, सेना थी, ठीक है। एंड हैड, और ये सारे नोबल्स को क्या था, बहुत ज्यादा इनके पास रेवेन्यू वगैरह भी बहुत हुआ करते थे, मतलब ये लोग कलेक्ट भी करते थे। तो इस तरह से क्या होता है कि ये एक टाइम ऐसा आता है कि नोबल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं और रिबेलियन भी करने लगते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं आपको जानना, उसे कैसे समझ लो, ठीक है। और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि जो अम्पायर है अकबर का अम्पायर, क्योंकि ये नोबल्स बहुत ज्यादा अपने आप को स्ट्रांग बना लेते हैं, तो धीरे धीरे द अम्पायर वेयर बिगिन बाय देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। तो अब आगे क्या है कि अकबर जो थे फतेहपुर सिकरी में, फतेहपुर सिकरी कहाँ है? आगरा, ठीक है। फतेहपुर सिकरी ड्यूरिंग 1570 की स्टार्टेड डिस्कशन। अकबर क्या करते थे, डिस्कस क्या करते थे, किस चीज को, रिलीजन के बारे में किसके साथ डिस्कस करते थे? उलामा। उलामा कौन थे? मुस्लिम के जो रिलीजियस गुरु होते हैं, ब्राह्मण्स के साथ, यानी मुस्लिम के साथ, ब्राह्मण्स के साथ, जैसे भी प्रिस्ट के साथ। अब क्वेश्चन ये है कि अकबर के टाइम में क्रिश्चियन कहाँ से आ गए, तो आते थे ये जो क्रिश्चियन है ना, ये लॉन्ग टाइम से आते थे मुगल टाइम में, और उसके पहले बेजेंट पीरियड में भी हमारे ये क्रिश्चियंस आए हैं इंडिया में, ओके। तो अकबर क्या करते थे, रिलीजियस डिस्कशन करते थे, कहाँ करते थे, फतेहपुर सिकरी में। फतेहपुर सिकरी कहाँ है, आगरा में। फतेहपुर सिकरी में किसके साथ डिस्कशन करते थे, इस्लाम मुस्लिमों के जो रिलीजियस टीचर हैं उनके साथ, हिंदू के रिलीजियस, यानी कि ये सब धर्म के सभी और रिलीजियस टीचर्स, दे यूज टू डिस्कस अबाउट द रिलीजियस मैटर। और ये डिस्कशन ये कहाँ पे होता था, इबादत खाना में। फतेहपुर सिकरी में एक जगह है जो इन्होंने इसी के लिए ही बनाया था कि यहाँ पे बैठ के डिस्कस किया करेंगे, उसको कहते हैं इबादत खाना। ये इम्पोर्टेंट है, व्हाट इज इबादत खाना, इट इज अ प्लेस वेयर अकबर यूज्ड टू डिस्कस रिलीजियस मैटर। अब देखो अब एक अगली चीज क्या है, डोगमा। डोगमा क्या है? अब
ऐसा होता था कि ये जितने भी रिलीजियस स्कॉलर्स थे ना, ये कहते थे कि नहीं, मेरा जो रिलीजन है वो सबसे अच्छा है। क्रिश्चियन कहते थे, क्रिश्चियन यानी कि जेसुइट प्रिस्ट कहते थे कि नो 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 नो, माय क्रिश्चियन इज वेरी गुड। जो राष्ट्रियस कहते थे, जो ईरान के रहने वाले मुस्लिम्स थे, वो कहते थे नो माय पर्सन इज वेरी गुड। तो ये अपने अपने रिलीजन को लेके कभी कभी डिवोर्स हो जाते थे, एक्सट्रीमिस्ट हो जाते थे। डिवोर्स मतलब कि जो दूसरे रिलीजन को एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। तो इससे क्या होता था कि इनकी टीचिंग से डिवीजन क्रिएट होता था, डिसहार्मनी क्रिएट होती थी प्रजा में, क्योंकि सब अपने अपने को ही बेस्ट बता रहे हैं। और इसीलिए तब जाके अकबर ने क्या किया, एक पॉलिसी शुरू की जिसका नाम था सुलह ए कुल। याद रखना, सुलह ए कुल, सुलह मतलब सुलझा दो, मामले को सुलझा दो, जो ये लोग अपना अपना फैलाए हुए हैं। कुल मतलब सब लोग, मामले को सुलझा दो सब लोग। क्यों, कैसे सुलझाओगे? क्योंकि अकबर ने एक लॉ लेके आ गया, एक पॉलिसी लेके आ गया है, आइडिया ऑफ सुलह ए कुल। कम टू द नेक्स्ट, अब ये देखो, ये पिक्चर देखो, ये पिक्चर क्या कह रही है? यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है इबादत खाने में। अभी ये जो लोग बैठे हैं ये एक जैसे हैं, ये अलग है, जो राष्ट्रियंस है ये ब्राह्मण है, है ना? और ये इनको देखने पे लगता है कि कहीं ना कहीं ये, अब इस तरह से सारे रिलीजन के लोग बैठे हैं। सुलह कुल में यूनिवर्सल पीस, भाई सुलह कुल का मतलब होता है कि आपको एक ही जगह पे शांति नहीं रखे, यूनिवर्सल। मुगल एम्पायर जहाँ जहाँ भी है, पूरा अफगानिस्तान से लेकर के साउथ इंडिया महाराष्ट्र तक अकबर के टाइम में, फिर पूरा बांग्लादेश उधर पूरा, फिर नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर। आई हैव ऑलरेडी शो यू ऑन द मैप। देन व्हाट हैपेंस, दिस आइडिया ऑफ टॉलरेंस। अब जो ये टॉलरेंस का आइडिया था, टॉलरेंस समझते हो ना, अपने धर्म को दूसरे के भी रिलीजन को रेस्पेक्ट करना, सिर्फ यही है कि मेरा रिलीजन ही बेस्ट है। तो क्योंकि अब तो इन्होंने आइडिया टॉलरेंस दे दिया था सुलह से, तो इससे क्या हुआ कि डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गया, जो अलग अलग डिफरेंट रिलीजन में हो रहा था। और फिर इससे क्या हुआ कि ऑनेस्टी, जस्टिस, पीस, इस तरह की यूनिवर्सल मोरल एथिक्स जो है वो इम्प्लीमेंट की गई अकबर के टाइम में। अभी उनके फ्रेंड थे ना अबुल फजल, जिन्होंने लिखा था अकबरनामा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसे गवर्नेंस जो है कि गवर्नेंस किस तरह से अकबर की गवर्नेंस चलेगी, उस पर उन्होंने सुलह कुल के बारे में यही लिखे थे कि अकबर ने ऐसे ऐसे काम किया था अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, ये सब उन्होंने ही बताया था। और यही अकबर की इस पॉलिसी को फॉलो किया था जहांगीर ने भी और जहांगीर के बेटे शाहजहां ने भी। ठीक है, तो ये था ओवरऑल हमारा अकबर की पॉलिसी के बारे में। अब बस सिर्फ लास्ट बचता है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास 15 मिनट्स हैं। अब हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे, मुगल एम्पायर इन दी 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी में क्या हुआ मुगलों के साथ? लास्ट मुगल एम्पायर तो कौन थे, औरंगजेब थे। औरंगजेब का टाइम पीरियड कहाँ पे जाके खत्म होता है? औरंगजेब का टाइम पीरियड खत्म कहाँ पे होता है? 1707 में क्या होता है, औरंगजेब जब खत्म हो जाते हैं तो फिर क्या होता है? आप देखो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एफिशिएंसी ऑफ मुगल एम्पायर ने टू ग्रेट इकोनॉमिक, देखो इनके समय में क्या था, इकोनॉमिक एंड कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी थी। ठीक है, अब क्या होता है, आगे क्या हो रहा है कि दिस विजिटर्स वेर आल्सो अवेयर एट द स्टेट ऑफ पॉवर्टी। लेकिन धीरे धीरे जानते हो क्या हो रहा है, पॉवर्टी की स्टेट बन रही है। अब ये पॉवर्टी कैसे बनने लगी, अब ये हो रहा है कि जो शाहजहां के टाइम में क्या होता था कि जो ये मनसबदार वगैरह थे, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द 20th ईयर ऑफ शाहजहां रेन इन्फॉर्म अस एट द हाईएस्ट रैंकिंग मनसबदार फिर ओनली 445 आर 8000 में। देखो ये जो मनसबदार थे ना, इनमें क्या होता था कि शाहजहां के समय में सबसे ज्यादा मनसबदार रखे गए थे और इनकी रैंकिंग भी बहुत ज्यादा हाई थी। अब आप इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में अगर समझा दूं तो ये कह रहा है कि जो मनसबदार थे, जो मुगल एम्पायर थे और जो उनके मनसबदार थे, वो क्या करते थे, वो सैलरीज पे बहुत ज्यादा खर्च करते थे। ठीक है,
और जिससे क्या होता था कि ये सैलरी पे खर्च करते थे तो फायदा मिलता था, जो लोकल लोग हैं, आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियंस हैं, उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलता था। तो इससे इन लोगों का रेवेन्यू कलेक्शन भी हो ही जाता था, ठीक है, अच्छे से हो जाता था। लेकिन जो पुअरेस्ट थे, एक तरफ कुछ लोग जो आर्टिस्ट हैं म्यूजिशियंस हैं उनको फायदा हो रहा था, तो दूसरी तरफ जो पुअर पीपल है उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी आ रही थी। उनको प्रॉब्लम कैसे आ रही थी, हैंड टू माउथ, मतलब उनको खाने भर के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कुछ जगह थोड़ी सिचुएशन ऐसे भी बन रही है जहाँ पे पॉवर्टी एग्जिस्ट कर रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट, आगे है ओके क्लास। तो अभी आप जो है जितना भी हमने आपको बताया है आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ना, ठीक है, और पढ़ने के बाद जो भी टर्म, फिर से जो टर्म समझ में नहीं आया है हम उस पर डिस्कस करेंगे व्हाट्सएप क्लास में। तो अभी आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हो।